ॐ षष्टिपन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता गणता जानता संगमे मही। मैं आप दुनिया वालों को एक अहम बात बताने के लिए जा रहा हूँ, वो ये है कि परमात्मा की असीम अनुकंपा है, हम सब मानव योनि में आए हैं, हम मानव कहलाने के हकदार बने हैं, मानव कहलाने के अधिकारी बने हैं। पर सच्चाई ये है कि मानव कहलाता कौन है, उसे जानना भी ज़रूरी होगा। मानव वही कहलाता है जो सत्य के पक्षधर हो, जो सत्य का प्रतिपादन करे, सत्य को बोले, सत्य पर आचरण करे, सत्य से जिसका नाता हो, सत्य से जिसका ताल्लुक रहे, सत्य पर जो आचरण करे, सत्य पर चले। यही कारण बना कि हमारे आर्य समाज के 10 नियमों में 5 बार ऋषि दयानंद ने सत्य का प्रतिपादन किया। ऋषि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में भी उन्होंने सत्य को दूसरा नंबर पर रखा। पहला नंबर असत्य, पहला नंबर आया है अहिंसा और दूसरा नंबर पे है सत्य। साथ ही साथ धर्म के लक्षण गिनाते हुए हमारे दर्शनकारों ने भी, शास्त्रकारों ने भी सत्य का प्रतिपादन किया। तो अब सच्चाई के आधार पर हम मानव कहलाने के हकदार बन सकते हैं। अगर हमने सत्य को नहीं अपनाया, सच्चाई को जीवन में आने नहीं दिया, तो हम मानव क्यों और कैसे कहला सकते हैं भला। तो एक सच्चाई मैं आप लोगों के सामने आज एक उजागर करना चाह रहा हूं, और ये बिल्कुल अहम चीज है कि आप लोगों ने देखा है, और इस पर मैं बहुत दिनों से काम करता आ रहा हूं। मेरा सारा काम सत्य पर आधारित है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलता। मैं अगर काम कर रहा हूं तो असत और अधर्म के खिलाफ काम कर रहा हूं। तो इसी सत्य के प्रतिपादन करने के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया कि जिन्हें मैंने मौलाना अग्निवेश के नाम से पुकारा, और ये अग्निवेश एपिसोड का आज ये 4th भाग है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कि अग्निवेश उन मौलानाओं के साथ जाकर जमाती इस्लामी हिंद के मंच पे जाकर मुसलमानों को ये कह सकते हैं कि तुम वंदे मातरम मत बोलना, किसका क्या बिगाड़ना होगा बिगाड़ के देखें, मन चाहेगा बोलेंगे, मन नहीं चाहेगा नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आप दुनिया वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मौलाना अग्निवेश जी को उन मुसलमानों से ये कहना नहीं चाहिए था कि भाई आप इस्लाम वालों के पास ये संकीर्णता क्यों है कि आप मक्का और मदीना में किसी भी गैर मुस्लिम को जाने क्यों नहीं देते हैं, ये संकीर्णता क्यों है? कोई मक्का और मदीना में भले ही हज ना करे, हज के अवसर पर नहीं किंतु अन्य अवसर पर मक्का और मदीना तक गैर मुस्लिमों को जाने क्यों नहीं दिया जाता? क्या इस्लाम की संकीर्णता नहीं है? यही इस्लाम उदारवादी है, इसे मानवता के पाठ बताते हैं, इसे मानवता की पाठ है बताते हैं, इसे भ्रातृत्व बताते हैं। यही भ्रातृत्व है कि हमारे यहाँ कोई ना आए, किसी को आने की अनुमति नहीं है, भले ही मस्जिद में ना जाए लेकिन रियाज से आगे आप किसी को जाने नहीं देते गैर मुस्लिम को। आप कहेंगे कि हमारे धर्म में नहीं है, हमारे हुजूर ने मना किया है। तो हुजूर ने मना किया है तो राम के देश में राम ने मना नहीं किया? फिर उस राम जिस जो राम अयोध्या में आए, उस अयोध्या को लेकर क्या विवाद क्यों कर रहे हैं? तो चाहे वो मौलाना अग्निवेश हो, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन ये हो, अब आचार्य प्रमोद कृष्णन देखिए, वो ये कह रहे, यद्यपि इसके ऊपर मैं बोल रखा हूँ, सुना रखा हूँ, दुनिया वालों को दे रखा हूँ वीडियो, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बोल रहे हैं कि मैं रात को मदीना का तसव्वुर करके सोया तो रात भर खुशबू आने लगी। अब बताइए इस जहालत का क्या जवाब दिया जाए, इस
जहालत को क्या बताया जाए। तो इस तरीके की बातें ये चाहे प्रमोद कृष्ण हो और चाहे एक सन्यासी हैं जो शंकरानंद नाम है उनका, जिसके ऊपर भी मैं बोल रखा हूं। तो आज ये इस्लाम के पक्ष में जो बोल रहे हैं उन इस्लाम वालों को ये लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भाई इस्लाम में ये संकीर्णता क्यों है, इस्लाम औरों को क्यों नहीं चाहता है, औरों को देखना क्यों नहीं चाहता, औरों को फूटी आंखों से देखना क्यों नहीं चाहता, औरों को सहन क्यों नहीं करता, कुरान क्यों कहता है कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जिसको इस्लाम कहा जाता है। और जबकि सारे इस्लाम जगत के आलिम सब ये कह रहे हैं टीवी में बैठ करके, सभी धर्मों की बात है, सभी धर्मों में बात है, तो सभी धर्म जब कुरान नहीं माना तो तुम लोग कैसे सभी धर्म कह रहे हो भाई। अब ये संगीत सोम ने जो बोला है वो क्या बोला, क्या गलत बोला, वो असदुद्दीन ओवैसी बकवास कर रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था दूरदर्शन में जी न्यूज में। तो उसने बोला कि औरंगजेब ने अपने पिता को कत्ल किया कि नहीं किया है, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिको को कत्ल किया कि नहीं किया है, तो कातिलों को कातिल नहीं कहा जाएगा क्या, कातिलों को कातिल कहना गुनाह है, ये क्या दयानुषी वाली बात कर रहे हैं। तो मैं मौलाना अग्निवेश के लिए ये कहूंगा कि मौलाना अग्निवेश सही अर्थों में अगर आप मानव हैं, इंसानियत के तकाजा आपको भी निभाना चाहिए कि इंसान होने के नाते उन इस्लामी जनसभाओं में जा करके उन इस्लाम वालों से पूछना चाहिए कि आप लोग ये संकीर्णता क्यों कर रहे हैं, ये मानवता पर कुठाराघात नहीं है क्या, सभी मानव को बराबर जानना नहीं चाहिए क्या, सभी मानव को मात्र को समान जानना नहीं चाहिए क्या, जबकि हमारे यहाँ पर तो शास्त्रकारों ने वसुधैव कुटुम्बकम कहा, पूरी वसुधा को कुटुम्ब मानने की बात कही गई, पूरी वसुधा को अपना रिश्तेदार मानते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि हम एक माँ बाप के संतान हैं, आदम और हवा के संतान हैं, तो जब भाई भाई हुए तो फिर ये आदावत क्यों, ये बोझ क्यों, ये वैमनस्था क्यों, ये भेदभाव क्यों कि एक ईमानदार है दूसरा सब ईमान है। तो इस प्रकार की बातों का समर्थन मौलाना अग्निवेश द्वारा करना ये सरासर मानवता पर कुठाराघात है। इसीलिए हम मानव कहलाना चाहते हैं तो हमें सत्य पर चलना पड़ेगा, सत्य पर आचरण करना पड़ेगा, सत्य पर विचार करना पड़ेगा, सत्य का उजागर करना पड़ेगा, सत्य को औरों तक पहुंचाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये अग्निवेश का भाग नंबर 4 आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।